बहराइच में आदमखोर की तलाश लगातार जारी है। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर तैनात है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18। इस बीच खबर आई कि दो आदमखोर भेड़िए जिनकी तलाश हो रही है वो ड्रोन कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद घेराबंदी की गई और इनसे उम्मीद बढ़ गई है। बहराइच के दर्जनों गांवों में भेड़िए की दहशत है। भेड़ियों को काबू करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। शुक्रवार को भी भेड़ियों का सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कई घंटों तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि छिपे छिपे फिर रहे दो आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी भी कर ली है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जो दो भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आ सके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहराइच के कुलेला गांव में देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने उन्हें घेर लिया है। बहराइच में फिलहाल वन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस खूंखार भेड़िए की एक लंबे समय से तलाश की जा रही थी, उन दोनों भेड़ियों की लोकेशन एक बार फिर मिल गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कुलेला गांव के उस बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले दोनों आदमखोर भेड़िए ड्रोन कैमरे में ट्रेस किए गए हैं। जो ड्रोन कैमरा था उससे दोनों भेड़िए इधर आते हुए दिखे हैं, इन खेतों में गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किधर से ये भेड़िए गायब हुए हैं। जैसे ही ड्रोन कैमरे को नीचे किया गया, वैसे ही ये जो भेड़िए थे ये यहां से निकलकर इसी खेत से होकर, आप देखेंगे तो हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो उनके पगमार्क्स भी यहां पर दिखा सकते हैं। ये पगमार्क है जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रास्ते जो है वो दोनों भेड़िए अंदर इंटर हुए हैं, जिसके बाद इसी खेत से होकर उनकी लोकेशन जो है वो बाद में गायब हुई है। दरअसल लगातार ड्रोन कैमरों के नजर में रहने के चलते अब वो ड्रोन को भी देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरे में ट्रेस होने के बाद वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से इन दोनों भेड़ियों को यहां पर घेरा है और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन गन्नों के खेत में, इन मक्के के खेत में छिपे भेड़ियों को पकड़ा जाए, ताकि इस क्षेत्र में व्याप्त भेड़ियों की दहशत को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं कि यही वो कारण है जिनके चलते भेड़ियों को एक शेल्टर मिलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फसल है, चाहे वो गन्ने की हो चाहे मक्के की हो, जिसका फायदा उठाकर वो गांव से बाहर आते हैं, इनमें छिपते हैं और फिर वो देर शाम अटैक करते हैं। बीते 48 घंटे से भेड़ियों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ड्रोन कैमरे में दोनों भेड़िए देखे जाने के बाद पिंजरा भी लगाया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वन विभाग उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ऐसे में कोशिश यही है कि लगातार इन भेड़ियों को ट्रैक किया जाए, क्योंकि अब इनकी लोकेशन मिल चुकी है तो चारों तरफ से जो वन विभाग की टीम है वो इनको घेर चुकी है। कोशिश यही की जा रही कि आज देर शाम तक इन भेड़ियों को हर हाल में पकड़ा जाए, लेकिन देखना यह होगा कि इन घने जंगलों में, इन खेतों में छिपे इन भेड़ियों को क्या आज भी वन विभाग पकड़ने में सफल हो पाता है, या फिर अभी वन विभाग को और कड़ी मशक्कत करनी होगी। पिछले 1.5 महीने से खैरी घाट थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां आदमखोर भेड़ियों का खौफ नहीं दिख रहा हो। भेड़ियों ने दीवान पुरवा गांव समेत आसपास के गांवों में हड़कंप मचाया हुआ है। 120 घंटों से ज्यादा युद्ध स्तर पर खोजी अभियान चल रहा है। वन विभाग, पुलिस और पीएसी के 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने इन आदमखोरों को पकड़ने के लिए जी जान एक कर दी है। भेड़ियों से निपटने के लिए वन विभाग, बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, स्वास्थी, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। स्थानीय लोग भी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। भेड़ियों के पकड़ने के लिए हर जतन किया जा रहा है, ताकि उनकी दहशत का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। भेड़ियों को अलग अलग तरीकों से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पटाखे भी छोड़े गए, अलग अलग गाँव के प्रवेश द्वार पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। जगह जगह थर्मोसेसिंग कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त सभी जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ बहराइच मौजूद है। मैडम, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब तक क्या फीडबैक मिला, क्या इनपुट? देखिए, आज लोकेट हुए थे दोनों और उनको घेरने का प्रयास किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो निकल गए। लेकिन अभी भी हम लोग थर्मल ड्रोन से
उन पर निगरानी रखे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है यदि लक ने हमारा साथ दिया तो आज शाम तक हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को पकड़ लेंगे। लगातार सर प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है कितनी टीमें लगाई गई हैं और क्या? देखिए हमारी कम से कम 12 टीमें लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और पूरी टीम जो है ट्रैक कर रही है। थर्मल ड्रोन जैसे जैसे बता रहा है उसका डायरेक्शन हमारी टीमें भी उस तरह से मूव कर रही हैं, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे घेरे में आ गया तो हम लोग उसको ट्रैंकलाइज करके कैप्चर कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना हमारे साथ डीपो साहब भी मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं, सर क्या इनपुट है, कब तक उम्मीद है? अभी जैसे आपने देखा हमारी चीफ मैम ने बताया कि शाम तक हम पकड़ लेंगे तो उनके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वन विभाग के जो बड़े ऑफिसर हैं वो इस वक्त लगातार फील्ड में हैं और जो आप ये एरिया देख रहे हैं जहां पर इस वक्त वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है, यहीं पर कुछ दूर पर जो आदमखोर भेड़िए हैं वो ट्रैक किए गए हैं ड्रोन के जरिए अब से कुछ देर पहले, जिसके चलते ही ये पूरी टीम जो यहां पर कैंप कर रही है।